गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो कायरा रहती है वो हॉस्पिटल में आती है और हॉस्पिटल में आकर देखती है रिद्धि और जिगर को इतने करीब होते हुए। ये देखकर कहीं ना कहीं वो पहले बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, पर उसके डिस्टर्बेंस का चीज़ें ज़्यादा बढ़ती है जब उसे पता चलता है कि वो दोनों की शादी के बारे में बात चल रही है, जिसके लिए जिया और रश्मि बोलते हैं। और जिया और रश्मि इस बारे में जब डिस्कस कर रहे रहते तो कायरा सुन लेती है। पहले जब कायरा सुनती है तो उसे नॉर्मल लगता है, फिर बाद में वो थोड़ी देर के बाद जब बैठती है और सोचती है तो उसे बहुत पेन हो रहा रहता है। उसे अलग सा पेन उसके दिमाग में चढ़ चुका रहता है। फिर वो वहाँ जाके अंकल की कंडीशन देखने जाती है तो अंकल की कंडीशन थोड़ी सी बेटर दिख रही रहती है, पर उसे कहीं ना कहीं ये बात की गिल्टीनेस भी हो जाती है कि उसकी एक हरकत की वजह से, उसका इस तरीके से बिहेवियर की वजह से आज अंकल को ये सब चीज़ें फेस करना पड़ा। मतलब उसने तो ऐसी ऐसी बोल दिया था, और वो भी बोला था तो अपनी माँ को बोला था, पर उसे आज समझ में आया कि उसके कुछ वर्ड्स किसी के लिए बहुत घातक बन सकते हैं। इसलिए बोलते हैं वर्ड्स का चयन सोच समझ के करना चाहिए कि ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो। और एक कहावत है कि शब्दों से ही लोग दिल में उतरते हैं और शब्दों से ही दिल से उतरते हैं। तो वही वाला किस्सा हो चुका रहता है कि जहाँ कायरा पहले अपने शब्दों से दिल में उतरी थी अंकल के, और आज अपने शब्दों से ही दिल से उतर गई थी। बहुत कुछ चुका रहता है। अब अंकल तो ऐसे चीज़ थे कि वो बहुत ज़्यादा चिढ़ चुके थे कायरा से। तो जब कोई भी नहीं रहता है तो कायरा एकदम से रूम के अंदर आती है आईसीयू वार्ड में, और जाते से ही अंकल से मिलती है। तभी जो रिद्धि के पापा होते हैं वो एकदम से कायरा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो बच्चा, आप यहाँ क्यों हो? तभी वो बोलती है, अंकल आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है कि जो मैंने किया वो सही नहीं था, मैंने आपकी आपको हर्ट किया है, आज मेरी वजह से आप इस कंडीशन पे हो, और मुझे समझ में भी नहीं आया, आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट हर्ट यू, आई डोंट वांट टू हर्ट यू। तभी उसके पापा कहते, नहीं बेटा मैं आपकी वजह से इस कंडीशन में नहीं हूँ, बस क्या है ना, मुझे मेरी बेटी पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा है और अपनी बेटी की बुराइयाँ मैं सुन नहीं सकता, क्योंकि मेरी बेटी को शायद आप नहीं जानती होंगी लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि उसने अपनी लाइफ में कितनी चीज़ें देखी है और कितनी चीज़ें नहीं देखी है। हाँ, आप लोगों की तरह उसने अपना बचपना नहीं जिया, जो मस्ती मजाक में जीती रही, एकदम केयरलेस नहीं है। 12 साल की उम्र से उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी और वो अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते आप लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जो बच्चों वाली होती ना वो भूल गई थी। तो शायद मेरी गलती थी, पर उससे भी कहीं ज़्यादा पता है कायरा मुझे क्या बात का बुरा लगा कि उसने इस गलत इंसान से मोहब्बत कर ली, जिस इंसान ने उसे छोड़ दिया उसका भी इतना बुरा नहीं लग रहा है, पर छोड़ने के बाद उसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती करी है। फिलहाल आप जा सकते हो कायरा, मुझे आपसे बात भी नहीं करनी है, ऐसे बोल के अंकल बोल देते। तभी वो बोल अंकल के पास आके बोलती है, प्लीज़ अंकल आई एम रियली सॉरी, मेरा इंटेंशन नहीं था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने भड़बड़ में बोल दिया, मैं सच्ची में रिद्धि मैम को ऐसे नहीं समझती हूँ, मैं रिद्धि से सीरियसली प्यार करती हूँ। तभी उसके पापा कहते हैं, खबरदार अगर अपने मुँह से ये प्यार शब्द भी निकाला वो भी रिद्धि के लिए। अब बेटा अब वो सारी चीज़ें तुम खो चुकी हो कायरा। कायरा एक टाइम था जहाँ मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता था और बहुत ज़्यादा तुम्हें मानता था, मुझे मेरी बेटी की चॉइस पे गर्व था, लेकिन तुमने वो चीज़ को नहीं बना के रखा। आज पता है, आज भले हमारा रिलेशन नहीं है बट तुम्हारे लिए वो प्यार और इज्जत भी नहीं रही है, पर अगर तुम्हारे घर में मेरी बेटी जाएगी ना तो आज भी तुम्हारी मम्मी उतने ही प्यार और इज्जत से बात करेगी। ये होता है अपनी रेपुटेशन और अपनी चीज़ें बनाकर रखना, शायद बेटा तुम्हें नहीं आता है, पर अब बोलने के लिए कुछ बचा भी नहीं है, आप जा सकते हो। तो कहती, अंकल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। तभी उसके पापा कहते हैं, मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप चले जाइए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी और तबीयत ख़राब हो। जैसी ये बात बोलते हैं कायरा को भी लगता है कि अगर उसकी वजह से और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कायरा वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। कायरा बाहर जाती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने सच्ची में बहुत गलत बिहेव किया है।
क्योंकि सही बात है, आज अगर अंजना आंटी जब भी रिद्धि के बारे में बात करती हैं तो उतने ही प्यार और तहजीब से बात करती हैं और उतने ही लव और अफेक्शन के साथ बात करती हैं। पर क्या कायरा ने वो इज्जत बनाकर रखी थी? नहीं, कायरा ने तो जैसे रिलेशनशिप टूटा उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा और उसने इतनी गंदी अपनी इमेज खराब कर ली थी। कायरा यहाँ से निकलती है और बाहर जाके खड़ी हो जाती है। फिर वो अपनी स्कूटी पकड़ती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। जैसे ही वो घर का गेट ओपन होता है, वो अंदर आती है तो उसे अंजना आंटी सामने खड़े हुए दिखती हैं। तभी वो बोलती है, मम्मा आप यहाँ क्यों कर रहे हो? तो कहती कि बेटा मैं भी वही पूछ रही हूँ कि कोई सुबह सुबह 5 बजे गाड़ी लेकर कहाँ गया था। तो कहती वो, मम्मा मुझे थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करनी थी तो मैं गाड़ी लेकर गई थी। तो कहते बेटा मॉर्निंग वॉक के लिए ना वॉक से जाते हैं, स्कूटी लेकर नहीं जाते हैं। कहाँ गए थे आप? मम्मा प्लीज़ अभी आप सुबह सुबह मुझे शुरू मत हो जाओ। तो कहती नो नो मुझे जानना है कि कहाँ गई थी आप। तो कहती है, अरे मम्मा प्लीज़ कायरा आंसर मी, आई एम आस्किंग विथ यू। कहीं नहीं गई थी मम्मा मैं, बस मुझे जाने दो। और ये बोल के वो अपने चली जाती है। यहाँ पे उसे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ चीज़ें हैं, पर अंजना आंटी को पता नहीं चलता क्योंकि वो बताती ही नहीं है। फिर थोड़ी देर में मोहिनी आती है, मतलब सुबह का कुछ 7 साढ़े 7 बजे रहते हैं। वो आती है, आकर बोलती है कि गुड मॉर्निंग आंटी। तो वो अपने उनकी तरफ देख के बोलती है मोहिनी की तरफ, गुड मॉर्निंग बेटा, ब्रेकफास्ट और ड्रिंक्स रेडी है, मतलब टी कॉफ़ी रेडी है, तुम ये ले लो जो लेना है और मुझे थोड़ा जाना होगा। तो कहती कहाँ जा रहे हो आप आंटी तो सुबह सुबह? तो कहते कि वो रिद्धि के पापा की ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे जाना होगा। तो कहती है कि आंटी क्या हो गया उनको एकदम से? तो कहती पता नहीं, जहाँ तक मुझे पता है शायद से हार्ट अटैक आया है और मुझे जाना होगा, तुम दोनों यहीं पर रहना, मैं आ जा कर आती हूँ। तो कहती आंटी इफ़ यू डोंट माइंड मैं भी चलूँ क्या आपके साथ? तो उसकी मम्मी कहती आप वहाँ जाकर क्या करोगे, रहने दीजिए आप, यहीं पर कायरा के साथ रुकिए, मैं जाती हूँ। ये बोल के जो अंजना आंटी रहती हैं कि वो जाती हैं अपने बेडरूम पे और आधे घंटे के अंदर तैयार होकर वो भी वहाँ से निकल जाती हैं। जो मोहिनी रहती है वो कायरा के पास जाती है और बोलती है कि कायरा कायरा सुनो। तो कायरा बोलती है हाँ मोहिनी बोलो। तो कहती है ओ तुमने सुना कि रिद्धि के पापा को हार्ट अटैक आया है, तुम्हें पता है इस बारे में? तो कहती है कि हाँ मुझे पता है। तो कहती है ओ तो तुम्हें जाना चाहिए था कायरा, यू हैव टू गो विथ योर मॉम एंड जाकर मिलो तो सही। माना कि वो तुम्हारी एक्स है, बट एक्स के अगर पापा को कुछ हुआ है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चलो अपन चलते हैं। तो कहती मुझे नहीं जाना है और मुझे किसी से बात बात नहीं करनी है। तो कहती है यार ये कैसा बिहेवियर है? मोहिनी भी शॉक्ड हो जाती है। तभी कायरा बोलती है तुम्हें क्या करना है, एक्स हो चुकी है तो एक्स की तरह रखेंगे ना, क्यों उसको करंट में लेकर आऊं मैं? हाँ तुम हो ना मेरी करंट, तो बात खत्म। तुम्हारे अगर पापा को कुछ होगा तो मैं आ जाऊंगी। तभी वो मोहिनी चला के बोलती मेरे पापा पे तो आना भी मत और ना मेरे पापा को होगा। किस टाइप का बिहेवियर है तुम्हारा, तुम इस टाइप का बिहेवियर कैसे कर सकती हो? तो कहती है अच्छा मैं बुरी हूँ ना, तो तुम भी यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। तो मोहिनी को भी बहुत अजीब लगता है। तो मोहिनी को उतनी देर में एक सर्वेंट आता है, बोलता है मैम आपका नाश्ता तैयार हो चुका है, आपके ब्रेकफास्ट है, आपके सैंडविचेस तैयार है और कॉफ़ी भी है, तो मैम आ जाइए आप। तो वो बोलते कि कायरा यू हैव टू बिहेव योर सेल्फ, ओके? मुझे नहीं पता किस चीज़ का गुस्सा तुम मेरे ऊपर उतार रही हो, बट अगर जिस तरीके का तुम्हारा रिलेशन रहा ना मेरे साथ, तो शायद हमारा रिलेशन भी वर्कआउट नहीं करेगा। और मुझे नहीं पता तुम किस टाइप की हो, क्या है, तुम्हें फ़र्क पड़ता है या नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो अगर मेरी एक्स के पापा को अगर कुछ हुआ होता तो भी ह्यूमैनिटी के लिए ही सही, मैं जाती ज़रूर। ये बोलकर मोहिनी वहाँ से चली जाती है अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। कायरा बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं गई होंगी? तभी मोहिनी बोलती तो तुम जाकर आई हो? तो कहती हाँ मैं सुबह 5 बजे देख कर आई हूँ, मैं अंकल से मिलकर भी आई। तो मोहिनी टर्न होके बोलती है हाँ तो क्या हुआ, उनको हुआ कैसे? तो कहती मेरी वजह से तो हुआ है, वो मेरा और रिद्धि का रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ तो वो हैंडल नहीं कर पाए। तो मोहिनी बोलती है ओ सो बैड, बट इसमें तुम्हारी क्या गलती है यार, ये तो होना ही था यार, ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल तुम्हारा, अब जब मतलब रिद्धि के साथ रिलेशन ही नहीं है
तो थोड़ा है इसमें, तुम क्यों अपना डिसअपॉइंट कर रही हो, तुम्हारी गलती तो बिल्कुल भी नहीं है यार, बट बहुत बहुत मुश्किल हुआ होगा अंकल के लिए, डोंट वरी। और ऐसे करके वो कायरा को हक करती। कायरा एक्चुअल में अपनी पूरी बात बताती नहीं है, क्योंकि ब्रेकअप होने की वजह से तो उन्हें बुरा नहीं लगा था, वो हार्ट अटैक आया था। एक्चुअल में ब्रेकअप की वजह से नहीं, मेन वजह थी कि उसकी इतने सारे अब्यूसिव और वल्गर वर्ड्स जो हर्टफुल थे, वो वर्ड्स की वजह से हुआ था। मोहिनी बहुत अच्छे से कंसोल करती है, उसे हग करती है और उसे बोलती, कायरा की आंखों में से आंसू आ रहे थे। मोहिनी को समझ में आ रहा था कि हो सकता है कि उसे गिल्टी फील हो रहा है रिलेशनशिप की ब्रेकअप की वजह से, बट कायरा क्यों रो रही थी इस चीज़ का रीज़न तो वो खुद भी नहीं जानती थी, वो रोए जा रही थी। मोहिनी उसे हग करके बोलती है, आप रो क्यों रहे हो, इसमें रोने वाली क्या बात है, आप प्लीज रो मत, आपकी कुछ गलती नहीं है यार। अब अंकल को हैंडल नहीं हो पाया वो, ठीक है आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो कहती हूँ, बट अंकल को भी अब रिद्धि के बारे में सोचना चाहिए। अगर रिद्धि के लिए उन्हें कहीं अच्छा इंसान मिले तो उनको शादी करवा देनी चाहिए। जैसी ये बात मोहिनी के मुंह से निकलती है, कायरा एकदम से गुस्से में बोलती है, तुम्हें क्या करना है यार, जिसको देखो कायरा की शादी, जिसको देखो रिद्धि की शादी, शादी करे जा रहे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई है रिद्धि से, क्यों शादी करानी है उसकी, क्यों क्यों, सब देखो जिसको देखो शादी शादी शादी, अरे क्या प्रॉब्लम है, ब्रेकअप ही हुआ है ना मेरा उसके साथ, मैं मरी थोड़ी ना हूँ, हाँ जो आप किसी से भी जाके उसकी शादी करा दोगे ये थोड़ी ना थे। तभी मोहिनी बोलती, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दैट दैट कायरा, आई एम जस्ट सेइंग कि वंस द ब्रेकअप इज डन देन इट्स कम्प्लीटली ब्रेकअप, ओके। अब वो अपनी लाइफ में कुछ भी करे आप उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, और वो आप अपनी लाइफ में जो भी करें उसके लिए रिद्धि रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये बाइफर्केशन शायद आपको समझ लेना चाहिए। कायरा बोलती है कि आप जाओ मोहिनी, आप जाके अपना ब्रेकफास्ट करिए, मैं अपने आप को हैंडल कर लूँगी। मोहिनी भी यहाँ से चुपचाप चली जाती है। मोहिनी को उसका इस तरीके का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद आता है। कायरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है, उसको गुस्सा आ रहा रहता है, चिड़चिड़ी हो रही रहती है। जब अंजना आंटी हॉस्पिटल में पहुँचती हैं तो वह अंकल से मिलती हैं, मतलब के तो उनसे बहुत माफ़ी मांगती हैं और कहती है, मेरी बेटी के लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, उसने जो हरकतें करी है वो माफ़ी के लायक भी नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी उसके पापा बोलते हैं, मुझे मुझे कुछ नहीं है और आप इतनी माफ़ी मत मांगिए, आज सुबह कायरा भी ने आके भी माफ़ी मांगी। तब वो कहती, वो सुबह आई थी आपके पास, वो कहते कि हाँ वो सुबह आए थे और उसने मुझे माफ़ी मांगी, उसने बोला, तो कहते तो अंजना आंटी को कहीं पे ये सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है, उसे लगता है कि बेटी पूरे तरीके से चेंज नहीं हुई है, अभी भी उसमें इंसानियत तो है, ये सोचे काफ़ी अच्छा लगता है। थोड़ी देर में अंकल कह देते कि अंजना जी, तो कहते हाँ जी बोलिए भाई साहब, तो कहते मैं रिद्धि की शादी की बात सोच रहा हूँ, तो कहते कायरा के साथ, अंजना आंटी बोलती हैं। तभी वो बोलते, नहीं नहीं कायरा के साथ नहीं, जिगर के साथ, मेरे दोस्त का बेटा है और मैं चाहता हूँ कि उनकी शादी हो जाए। तो कहते हैं रिद्धि रेडी हो गई है, तो वो कहती है कि नहीं रिद्धि से तो अभी तक बात भी नहीं करी है, पर जहाँ तक है मैं रिद्धि को मनाऊँगा तो वो मान जाएगी, तो आपका क्या ख्याल है, क्योंकि मुझे अब कायरा सही इंसान नहीं लगती है रिद्धि के लिए। तो तभी अंजना कहती है, माँ का दिल तो माँ का ही होता है ना, मैं आपको अपनी बेटी के बारे में ऐसे कैसे कह दूँ कि वो लायक नहीं है, पर जहाँ तक अगर वो लायक नहीं होती तो वो आज सुबह आकर आपसे माफ़ी नहीं मांगती, मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था कि कायरा सुबह आकर आपसे माफ़ी मांग रही है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ है कि उसने आपके इस तरीके से बोला है। इतनी बुरी नहीं है मेरी बेटी, सही है, अच्छी है, बस थोड़ी सी नादान है, समझदार नहीं है, कब पता नहीं क्या करती है, कुछ बच्ची है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर्ड है, बिल्कुल अकल नहीं है, बट कायरा दिल की काफ़ी अच्छी है, वो आपसे माफ़ी मांगने आई है, यही बहुत है। तभी अंकल कहते हैं, मैं मानता हूँ वो बच्ची है, वो चीज़ें हैं, पर जिस तरीके से उसने मेरी बेटी की इंसल्ट करी है ये बात मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ, और उसे घर बनाने के लिए, घर में उसे बहू बनाने के लिए अब वो
इज्जत, वो प्यार उसके प्रति मेरे अंदर नहीं है। तो अंजना आंटी कहती हैं कि जैसा आपको ठीक लगे भाई साहब करिए, बट जो आपको सही लगे, पर एक बार रिद्धि से ज़रूर पूछिएगा। तो कहते हैं मैं पूछ लूँगा। ये बोलकर आंटी वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर में रिद्धि अंदर आती है, अपने डैड से मिलती है और डैड के साथ काफ़ी अच्छे से बात कर रही रहती है। तभी उसके पापा कहते, बेटा आप तो जानते हो मेरी उम्र हो रही है। हो रही है, और कल कल जाकर अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद कोई हो तुम्हारी जो ध्यान रखे, तुम्हारे को बहुत अच्छे से प्यार करे और तुम्हें एक अच्छा इंसान से समझे। तो कहते कि पापा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, प्लीज़ ऐसी बातें ना करो। तो कहता बेटा ऐसी बातें करने से क्या होगा, जो रियलिटी है उसे कोई नहीं बदल सकता है। मेरी उम्र हो रही है और मैं तुम्हें सेटल होता हुआ देखना चाहता हूँ। तो कहती पापा मैं ऑलरेडी सेटल हूँ। तो कहती नहीं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बोल रहा हूँ, इमोशनली इंडिपेंडेंट भी। मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें शादी करनी चाहिए। तो कहते पापा फिर तो वो इमोशनली डिपेंडेंट हो गया ना। तो कहते बट क्या तुम अपनी लाइफ अकेले बिताना चाहोगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ अकेले बिताओ। आगे जाकर कोई ना कोई तुम्हारे पास होना चाहिए जिसके साथ अपने तुम सुख और दुख शेयर कर सको। पता है तुम्हारी मॉम जब तब थी ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, तुम्हारे मॉम जाने के वजह बाद मेरे पास पता है जीने की वजह क्या रही है, तुम। मेरे जाने के बाद तुम्हारे पास भी जीने की वजह होनी चाहिए, या तो तुम्हारा पति या तो फिर तुम्हारा बच्चा। तो शायद तुम समझ रही हो मेरा क्या कहने का मतलब है, तो का तो तुम शादी कर लो रिद्धि। तो कहती पापा मैं शादी किससे करूं, कायरा और मेरा ब्रेकअप हो चुका है। तो कहती पता है मुझे, पर मैं कायरा के साथ शादी का बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं शादी के लिए जिगर बोल रहा हूँ। जिगर काफ़ी अच्छा लड़का है और मेरे दोस्त का बेटा भी है। तो कहती नहीं पापा मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं जिगर के लिए फ़ील नहीं करती हूँ। तो कहते हर टाइम फीलिंग नहीं होती है, तुम जिगर के लिए फ़ील करती हो, तुम जिगर के साथ कंफर्टेबल हो, तुम जिगर के लिए हो, बस यही प्रॉब्लम है ना कि तुम प्यार भरी फीलिंग्स फील नहीं करती हो। वो वक्त के साथ आ जाएगी, जैसे जैसे तुम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारोगे तुम्हें फ़ील हो जाएगा। और कहीं ना कहीं तुम्हें कायरा को अब भूलना भी पड़ेगा, जो लड़की तुम्हें छोड़कर चली गई है उस लड़की के लिए क्यों इतना करना है। कोई ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है ना रिद्धि, जिसको जाना रहता है वो इंसान चला जाता है, हमें आगे बढ़ना होता है, ये ज़िंदगी का दस्तूर है और इस दस्तूर से तुम पीछे नहीं हट सकती हो, प्लीज़ मैरी जिगर। तो कहती पापा पर बेटा मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा है, अगर तुम कुछ देना चाहती हो तो मुझे खुश रखना चाहती हो तो प्लीज़ शादी कर लो। जैसी ये बात वो अपने पापा के मुँह से सुनती है तो रिद्धि कहती है ठीक है पापा आप जिगर से बात कर लीजिए। थोड़ी देर में रिद्धि वहाँ से चली जाती है। बाहर जाती है तो उसे रश्मि और जिया मिलते हैं। रश्मि जिया भी उसे काफ़ी अच्छे से पूछते हैं क्या हुआ अंकल के साथ। कहते वो मेरी शादी की बात कर रहे हैं जिगर के साथ। तो कहती पता है उन्होंने हमसे भी डिस्कस किया था और हमें भी लगता है कि जिगर काफ़ी अच्छा लड़का है और तेरे लिए सही है, जिगर तुझे खुश रखता है, कल जिस तरीके से तुझे जिगर ने संभाला है उसके बाद हम कह सकते हैं कि जिगर काफ़ी अच्छा है। और देख यार अंकल की भी एज हो रही है, उन्हें भी अपना पार्टनर चाहिए और हम भी तेरे दोस्त हैं यार, मैं तो तेरी बेस्टी हूँ, तुझे पता है ना मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती, लाइफ में सेटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर तू इस तरीके से सेटल हो जाएगी जिगर के साथ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, प्लीज़ मान जा। तो कहती है सोचती हूँ पर जिगर करेगा, जिगर को पता है ना मेरे पास्ट के बारे में। तो कहते कोई चीज़ छुपाएंगे नहीं और कभी भी कोई भी रिलेशनशिप बिना किसी भी सच्चाई के नहीं स्टार्ट होता है, तो झूठ का सहारा नहीं लिया जाएगा, उसे सब कुछ बताएंगे ठीक है। तो कहती हूँ फिर उसका जो डिसीजन होगा उस पर डिपेंड करेगा।
दीदी कहती है हाँ, और ये बोल के वो चली जाती है वहां से। वो घर जाती है, फ्रेश होती है और अपने पापा के लिए कुछ अच्छा अच्छा मतलब खाना बनाती है, और फिर हॉस्पिटल में वापस आना रहता है। तब तब जो जिगर है उसके साथ बातें हो जाती है अंकल की, और जिगर को तो रिद्धि डे वन से पसंद थी, तो वो हाँ कह देता है शादी के लिए। शादी के बारे में ये बात सब जगह फैल जाती है कि अब रिद्धि और जिगर की शादी हो रही है। जैसे ही इसके बारे में कायरा को पता चलता है, कायरा बहुत गुस्से में हो जाती है, बहुत गुस्सा होती है, घर की चीज़ों को फेंक रही रहती है। तभी अंजना आंटी आती है और उसे बोलती है, तुम पागल हो गई हो क्या, घर की चीज़ों को ऐसे फेंक क्यों रही हो? तो कहती है, तो क्या करूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो उसकी मम्मी कहती है, तो और गुस्सा किस वजह से आ रहा है, और ये जो चीज़ें हैं इसकी वैल्यू भी पता है तुम्हें? जब जो चिया उठाया और फेंक दिया, इस चीज़ को कमाने में ना बहुत टाइम लगता है कायरा, वैल्यू करना सीखो चीज़ों का। ये जो उठाकर तुम जो फेंक रही हो ना, ये तुम्हारे डैड की मेहनत का है, तुम्हारी मेहनत का नहीं है। तुम्हें पता चलेगा तो पता चलेगा ना कि कितनी महंगी वैल्यू होती है इसकी, पहले कमाओ खरीदो फिर पर फेंको। तो कहती है, मम्मा अभी आप चले जाइए, मुझे किसी बारे में बात नहीं करनी। मोहिनी भी वहाँ खड़ी रहती है। मोहिनी बोलती है, क्या हो गया है कायरा आपको? तो वो कहती है कि मोहिनी अभी आप जाओ यहाँ से, बहुत गुस्सा आती है। तभी अंजना आंटी बोलती है, मोहिनी चलो यहाँ पर। तब मोहिनी एकदम से पूछती, क्या हो गया है आंटी? तो कहती है, मुझे भी नहीं पता है। अच्छा आपको पता है ना आज गुरुजी आने वाले हैं? तो कहती हूँ, थोड़ा आधे घंटे के बाद गुरुजी आ जाते हैं। जैसे गुरुजी वहाँ बैठते हैं, दोनों लड़कियों को बुलाया जाता है। तभी उनके गुरुजी बोलते हैं और आशीर्वाद देते हैं उनको कि बेटा सदा आगे बढ़ो, जीवन में सफलता प्राप्त करो और हमेशा से अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। ये आशीर्वाद देते देखते हुए बोलते हैं कि दोनों लड़कियों को देख रहे रहते हैं। एक्चुअली वो ना बहुत अच्छे से फेस रीडिंग जानते थे, तो वो दोनों एक दोनों लड़कियों को देखते हैं, काफ़ी देर तक देखते हैं, करीब 10 से 15 मिनट तक, और कुछ चीज़ें ना अपनी एक नोटबुक में नोट करे जा रहे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद वो दोनों लड़कियों को बोल देते हैं, आप जा सकते हैं बच्चा। दोनों वहाँ से चली जाती है। जो कायरा रहती है वो काफ़ी गुस्से में रहती है और उसका गुस्से का लेवल हाई रहता है। मोहिनी कई बार आती है कायरा के पास, पर कायरा अपना गुस्से की वजह से मोहिनी को भी दूर कर देती है। मोहिनी को इतनी इंसल्ट हैंडल नहीं होती है, और मोहिनी जम के कायरा को चला के बोलती, डोंट यू डेयर टू कम क्लोज टू मी, ओके? तुम्हारी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, जब से तुम्हें पता चला है कि रिद्धि की शादी के बारे में बात चल रही है, तुम बहुत अजीब से बिहेव कर रही हो। कायरा टर्न होके बोलती, तुम्हें कैसे पता? तो कहती, मैं अंधी नहीं हूँ और ना बेवकूफ़ हूँ, मुझे सब कुछ पता रहता है, बस मैं बोलती नहीं हूँ। और तुम्हें पता है, मुझे हर एक चीज़ के बारे में पता है, हर एक चीज़ के बारे में। मैंने तुम्हारी मम्मी के मुंह से सब कुछ सुन लिया था, फोन पे बात करते हुए तुम्हारे पापा को, कि रिद्धि की शादी स्टार्ट हो गई है, वो भी जिगर के साथ। हाँ, इसी बात पे तुम डिस्टर्ब हो ना मोहिनी? मोहिनी तो बेवकूफ़ है, मोहिनी तो कुछ समझ में नहीं आता है। कायरा तो बहुत इंटेलिजेंट है, जैसे बिहेव करना चाहे कर ले, मोहिनी को तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मोहिनी को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि यू स्टिल लव रिद्धि। हाँ, तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? तुम चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो? तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम चीज़ें क्यों फेंक रही हो? क्योंकि तुम अभी भी प्यार करती हो रिद्धि से। तुम्हें यह हैंडल नहीं हो रहा है कि रिद्धि कहीं चले जाए। तुमने रिद्धि को अपनी वन एंड ओनली प्रॉपर्टी समझ के रखा था। तुम ये सोचती थी कि तुम चाहे जो भी करना चाहो कर सकती हो, जैसा बिहेव करना चाहो कर सकती हो, पर रिद्धि कभी कुछ बिहेव नहीं कर सकती। तुम्हारा बस चले तो तुम किसी भी लड़की के साथ बात करो, घुसो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ रिलेशन में आ सकती हो, पर यहाँ पर रिद्धि को सिर्फ तुम्हारे लिए वेट करना होगा। रिद्धि तुम्हारे अलावा और एक इंसान को देख भी नहीं सकती है। आज उसकी लाइफ में कोई और आ रहा है, तो इस बात पे तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, चिढ़ हो रही है ना, लेकिन अभी वो अपनी जगह सही है, उन्हें मूव ऑन होना चाहिए। बट कायरा, यू डोंट डिजर्व इट। तुमने भी सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ना टाइम पास किया है, क्योंकि रिद्धि तुम्हें टाइम पास नहीं दे रही नहीं दे रिद्धि तुम्हारे को टाइम नहीं दे रही थी, ड्यू टू हर ऑफिशियल रीजंस, और बहुत ज़्यादा बिजी थी। उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए तुम सिर्फ मेरे पास आई, और तुमने अपने उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए मेरे करीब आकर अपनी मन मर्जी से किया। और उसके बाद जब तुम्हें
मेरे साथ रहना है, आज तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें मूव ऑन हो जाना चाहिए, तब तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। इट्स मीन्स यू स्टिल लव हर। ओनली द थिंग इज दैट कि जब इंसान एक ही दाल चावल खा खा के थक जाता है तो उसे स्पाइसी नूडल्स चाहिए रहते हैं, और वही स्पाइसी नूडल्स थी मैं बस तुम्हारी लाइफ में, और कुछ नहीं। और अब तुम्हें, अब बाद में तुम्हें फिर से दाल चावल चाहिए, पर रिद्धि इस बार तुम्हें नहीं मिलेगी। यू लॉस्ट हर बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ योर जस्ट सेल्फिशनेस। तभी कायरा कहती, नहीं रिद्धि मेरी है और मेरी ही रहेगी, मैं उसे मना लूँगी, वो शादी नहीं कर सकती है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो ऐसे कैसे कर सकती है। कहती, ओ रियली, तुम्हारा प्यार जो दो दो पल में कभी मेरे पे कभी उन पर आ जाए। यू नो व्हाट, रिद्धि शायद बेवकूफ़ है जो तुमसे प्यार कर बैठी, और बहुत सीरियसली प्यार कर बैठी, बट मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। आई एम जस्ट ब्रेकअपिंग विद यू, इट्स अ ब्रेकअप। यू एंड मी नेवर डिजर्व ईच अदर, बिकॉज तुम जैसी सेल्फिश इंसान जो पल में कुछ और पल में क्या है, उस इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती। ये बोलकर मोहिनी अपने बैग्स पैक करती है और उसे बाय कहती है, और वो वहाँ से बैग पैक करके वहाँ के जो ड्राइवर रहता है अंजना आंटी के, उस ड्राइवर को बोलती है कि वो उसे छोड़ दो, क्योंकि उसके पापा तो बहुत अमीर रहते, तो फ्लाइट्स वगैरह सब अरेंजमेंट्स तो वो पहले से ही हो जाता है। वो वहाँ से चली जाती है। जो कायरा रहती है वो बहुत रो रही रहती है, बहुत रोते हुए ये सोच रही रहती है कि उसने क्या कर दिया है। मतलब एक तरफ ना उसे मोहिनी मिली और जो कायर रिद्धि थी वो भी नहीं मिली, वो काफ़ी रो रही रहती है। तभी उसकी मॉम आती है उसके पास और बोलती हैं, कायरा तो अपनी मॉम को हक करके बोलती है, मम्मा मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया, मैंने ना अपनी अपनी चीज़ों के चक्कर में मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया, मैं ना मम्मा सिर्फ और सिर्फ कंकड़ पत्थर को कलेक्ट करने के चक्कर में मैंने हीरा को छोड़ दिया, मैंने ना मैं मोहिनी के चक्कर में मैंने रिद्धि को खो दिया, और मम्मा मैं क्या बोलूँ, मैं इतनी इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ कि मम्मा मुझे समझ में नहीं आया, पर मम्मा मैं सच्ची में बहुत प्यार करती हूँ रिद्धि से, रिद्धि को बोलो ना वो जिगर से शादी ना करे, मम्मा प्लीज़ मम्मा आप मनाओ ना, आपकी बात कभी नहीं टालती ना वो, प्लीज़ प्लीज़ जाओ ना बोलो ना। तभी अंजना आंटी कहती हैं, बेटा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है, जब आपको दिया था चांस तब आपने नहीं लिया, और आप उस इंसान से कैसे प्यार कर सकते हो जिसकी इतनी सारी बेइज्जती कर दी आपने, आज तुम्हारे चक्कर में उसके पापा हॉस्पिटल में हैं, और उस इंसान से तुम्हें शादी करनी है जिससे जिसके बारे में तुम अभी दस मतलब कल तक तो तुम उसके बारे में इतनी बेइज्जती कर रही थी, और आज तुम्हें शादी करनी है। यू आर वेरी फ्लक्चुएटेड, वेरी वेरी फ्लक्चुएटेड। वेल ये मैटर नहीं करता है, रिद्धि की शादी का कार्ड आ गया है, तुम चाहो तो देख सकती हो, और लगे तो देख लेना, ठीक है, ये लो। तो वो कार्ड को साइड में करती हूँ, कहती मुझे कोई कार्ड नहीं देखना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरी रिद्धि चाहिए, आई रियली लव हर, प्लीज़ मुझे मेरी रिद्धि मिलवा दो, प्लीज़ आई वॉन्ट हर। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो रिद्धि रहती है उसके उससे अंजना आंटी मिलने आती हैं, और बहुत सारी बातें उनके बीच में डिस्कस होती है, शेयर होता है, बहुत कुछ होता है, जिसमें रिद्धि पहले तो बहुत शॉक्ड होती है, और फिर वो नॉर्मल होती है, और एक पेपर रहता है, उस वो पेपर देकर जाते हैं, तो रिद्धि उस पेपर को पढ़ती है, उस पेपर में बहुत कुछ लिखा रहता है जिसके बारे में वो सब कुछ देखती है, फिर वो उस पेपर को लेकर जिगर के पास जाती है, जिगर से डिस्कस करती है, फैमिली से डिस्कस करती है, अंजना आंटी सबके सब वहाँ पर रह के बहुत कुछ डिस्कस करते हैं। अब क्या डिस्कशन होता है ये तो हम जानेंगे बाद में, पर उस डिस्कशन के बाद चीज़ें बहुत कुछ क्लियर होती है, जहाँ रिद्धि भी बहुत रोती हैं और जिगर भी रिद्धि को काफ़ी अच्छे से संभालता है, उसके डैड और जिया और रश्मि भी पहले तो डिसएग्री होते हैं, पर फाइनली जब रिद्धि के रोना धोना देखते हैं तो उन्हें भी फील होता है कि वो शायद गलत कर रहे हैं रिद्धि के साथ। तो
उसके पापा भी फिर उसे समझते हैं, और जिगर जो बहुत अच्छा लड़का होता है वो काफ़ी अच्छे से समझता है। तो आगे क्या हुआ था ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।